हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी मॉम्स ब्लॉग में। आज मैं बताऊंगी कि कढ़ी एकदम आसान रेसिपी कि ना कि आपकी कढ़ी में लम्स पड़ेंगे और एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। देखिए फ्रेंड, बेसन ले लीजिए जितनी आपको कढ़ी की पकौड़ियाँ बनानी है और इतना बेसन फेटिए। मेरी मम्मी पहले बोलती थी इस तरीके से इतना बेसन को फेटना पड़ता है कि जब पानी में हम इसको डालें तो इसका ये जो बेसन है ऊपर आ जाना चाहिए। अभी हमारा बेसन नहीं फिटा है, अभी और फेटेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा बेसन फिट गया है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे और ये इतना ही पतला रहना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी से फूल के तैयार हुई। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ये पकौड़ियाँ देखिए कितनी इसमें जाली जाली सी पड़ गई है। इसका मतलब है कि हमारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुई हैं। इसमें देख सकते हैं ये जो इतनी सॉफ्ट, ये देखिए पकौड़ियाँ तो हम बहुत लोगों की पहले फूल जाती हैं पर जब उसमें डालते हैं कढ़ी में तो टाइट हो जाती हैं। आज मैं इसको भी बताऊंगी। ये देखिए हमने कढ़ी के लिए भी बेसन घोल लिया है। धीरे धीरे पानी करके इसको घोलिए और पूरा पानी फिर इस कटोरे में भर दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड, जो हमने तेल लिया था उतना सारा हमें तेल निकाल लेना है। बहुत थोड़ा सा तेल देखिए हमने इसमें रख रखा है। इतने ही तेल में हमारी कढ़ी बन जाएगी। अब हमें इसमें सारे मसाले डालने हैं। पहले हमने हल्दी डाली है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें तो मिर्च, नमक, गरम मसाला डाल के हमें इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भी भून गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसमें हमें ज़्यादा सा पानी डाल देना है फ्रेंड। इस तरीके से जब पानी डाल देंगे पहले कढ़ाई में, फिर बाद में बेसन का घोल डालेंगे, उससे हमारी कढ़ी में लम्स नहीं पड़ेंगे। बहुत लोग जब पहले से ही मतलब जब घोल डालते हैं उसका तो वो नीचे देखिए थक्का ऐसा जम जाता है, लम्स जैसे पड़ने गुलटियाँ पड़ जाती हैं, तो वो ऊपर बाद में जब बन जाती है तो ना वो दिखने लगती है तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से जब बनाएंगे, और देखिए हमारी कढ़ी में एक उबाल आ गया था। हमने पहले पकौड़ियों को डाला है। जब फ्रेंड आप पहले पकौड़ियाँ डालेंगे और बाद में हमने दही फेंट के डाला है तो पकौड़ियाँ कभी भी टाइट नहीं होंगी। आप इस ट्रिक से बनाइए, पहले पकौड़ी डालिए बाद में दही डालिए तो पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनी है, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसमें एकदम कोई भी गुलटी नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है इसके अंदर और कढ़ी भी एकदम परफेक्ट बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए। और ये देखिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। उसी तेल से हमने देखिए उसमें थोड़ा सा चमचे में डाल दिया है तेल और इसमें राई डाल दी है, राई को ढक दिया। राई को नहीं ढकते हैं तो गंदगी हो जाती है। उसमें जीरा, मिर्च और करी पत्ते से इसका तड़का तैयार करेंगे। इसमें थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और इस तड़के को अब हम उसी कढ़ी में डाल देंगे फ्रेंड और ये ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसी में रहे। और ये हमारी कढ़ी बनके तैयार है। और इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाली है और अब मैं तो चली इसको चावल के साथ खाने। फ्रेंड, वीडियो फुल वॉच करने के लिए राधे राधे।